सिर्फ 4,000 रुपए में बिकने को तैयार है 8 बेडरूम और स्विमिंग पूल वाला ये किला फ्रांस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से खाली पड़ा किला बिकने के लिए तैयार है। अच्छी बात ये है कि खरीदारों को इसके लिए बहुत कम दाम देने पड़ेंगे। वो सिर्फ 46 पाउंड यानी 4,000 रुपए खर्च कर इसके शेयर होल्डर बन सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में इस किले को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन तब से इसकी मरम्मत नहीं की जा सकी है। जर्मनी के हमले के बाद हो गया था खाली। दोर्दोग्ने प्रांत में मौजूद 15वीं शताब्दी के इस किले को फ्रांस में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का दर्जा हासिल है। इस किले में 8 बेडरूम स्विमिंग पूल और एक विंड मिल मौजूद है जो बहुत ही खराब हालत में पहुंच गया है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी की नाजी सेना ने इस किले पर हमला कर दिया था, जिसके बाद किले के असली मालिक इसे वीरान छोड़ गए थे। 1944 में नाजियों ने इस किले में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से किले का काफी हिस्सा बर्बाद हो गया था। तब से इस किले को कभी भी रिपेयर नहीं किया गया। करीब 75 सालों से वीरान पड़े इस किले की बदहाल हालत को देखते हुए फ्रांस सरकार ने इसे सीज करके अपने कब्जे में ले लिया है। बदहाल स्थिति को देखते हुए सरकार ने इस किले की मालिक कंपनी को रिपेयरिंग के लिए 21 सितंबर की डेडलाइन जारी की है। रिपेयरिंग ना होने की स्थिति में फ्रांस सरकार ने इस किले को ऑक्शन में भेजने का प्लान बनाया है। 3 हफ्ते में हो जाएगा नीलाम। इधर किले की मरम्मत और इसे नीलामी से बचाने के लिए शहर के कई एक्टिविस्ट और ग्रुप्स ने कैंपेन छेड़ रखा है। ऑक्शन से बचाने के लिए एडॉप्टेचैट्यू नाम के एक ग्रुप ने 62,000 पाउंड जुटाने की योजना बनाई है। ग्रुप ने लोगों से किले को खरीदने के लिए पब्लिक पार्टनरशिप के तहत 46 पाउंड इन्वेस्ट करने की गुजारिश की है। मतलब इस किले के लिए 46 पाउंड सिर्फ 4,000 रुपए खर्च कर कोई भी इस किले का मालिक बन सकता है। अब तक ग्रुप ने इस तरह से 1,00,000 पाउंड से ज्यादा की रकम जुटा ली है। ग्रुप का मकसद इस किले को कल्चरल साइट की तरह डेवलप करने का है।